नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया समाचार 27 पे। मैं हूँ आपके साथ शिवानी वगैरह। जीवन और मृत्यु एक ऐसी चीज है जो मतलब निश्चित है कि होनी है। अगर कोई इस दुनिया में आया है तो वो दुनिया से जाएगा भी, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो 100 से 200 से 300 साल तक जीते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक पता लगाया है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अमर है। अब ये ऐसा अमर है कि ये कभी मर नहीं सकता। मतलब एक होता है ना कि आपको ये पावर मिल रखी है, ऐसे इस बैक्टीरिया को पावर मिल रखी है कि ये कभी मरेगा नहीं। तो आज इसी को लेकर हम आपको बताने लाए हैं कि कौन सा ये बैक्टीरिया है, क्या करता है, किस लिए जीता है इतना, मतलब क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। हाइड्रा बहुत हुए या फिर स्थिर पानी में पाया जाता है। कई बार ये प्रदूषण पानी में भी दिख जाता है। यूएस के पोमोनो कॉलेज में हाइड्रा पर रिसर्च करते हुए वैज्ञानिक ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो मैंने इससे सोच के साथ स्टडी शुरू की थी कि हाइड्रा की उम्र कितने हद तक बढ़ सकती है, लेकिन उनके डेटा दो बार फेल हो गए। उन्होंने हाइड्रा की बनावट पर गौर किया। हाइड्रा की बॉडी ट्यूबलर की तरह होती है जबकि आकार में लंबा होता है। रिसर्च में ये भी मालूम पड़ा है कि हाइड्रा के शरीर में दो परतें होती हैं, बाहरी वालों को एक्टोडर्म जबकि आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये इतने टाइम तक कैसे जीवित रहता है। ये जानकारी बहुत जरूरी है कि दोनों ही परतें एक निर्जीव ऊतक से जुड़ी होती है, इसे मेसोग्लोआ कहा जाता है। और हाइड्रा का ओरिजिनल शरीर स्टेम सेल बना होता है। कम कोशिकाएं होती हैं इसमें, लेकिन लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। यही वजह है कि हाइड्रा का शरीर लगातार नई कोशिकाएं बनाता रहता है और हमेशा ऐसा ही रहता है। हाइड्रा एक अनोखा संजीव जीव है जो प्रजनन में अनोखे तरीके से शामिल होता है। इसकी प्रजनन विधि विभिन्न जंतुओं से अलग होती है। हाइड्रा पुरुष या मादा दोनों रूप में प्रकट हो सकता है। जब ये मादा रूप धारण करता है तो इसे अभयलिंग कहा जाता है। अभयलिंगी होने पर हाइड्रा मादा अंगों में प्रजनन करती है जिसमें मेल यौन और महिला यौन शामिल होते हैं। हाइड्रा की शरीर लंबाई सेंटीमीटर तक होती है और इसकी उम्र की गणना अभी तक कोई संभव नहीं है। तो जाना आप लोगों ने कि कौन सा ऐसा जीव है जो सदाबहार है, जो अमर है, जो सालों साल जीता है और किसी इस जीव को किसी पार्टनर की भी जरूरत नहीं होती कि वो अपने वंश को आगे बढ़ाए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।